यह है 8th क्लास का राजस्थान बोर्ड का पेपर है, इसका सॉल्यूशन मैंने किया है। सबसे पहले पूछा है कि बताना है इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, तो वो है 3/5, मतलब इसका एडिट इन्वर्स निकालना है। ये माइनस का है तो उत्तर आ जाएगा आपके प्लस का। फिर पूछा सजातीय पद, मतलब ये लाइक टर्म पूछा है, मतलब जैसे इसके पीछे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई, वैसे ही कहाँ लिखा हुआ, तो इसमें लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। एन भुजा वाले बहुपद के अंत्य कोणों का योग पूछा है, इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सूत्र हो जाएगा एन माइनस टू इंटू 180, ये वाला डी राइट हो जाएगा। घन के फलक कितने होते हैं, वो होते हैं 6, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6। समचतुर्भुज गुण धर्म नहीं है, देखो सबकी सभी भुजाएं समान होता है, सही है। विकर्ण परस्पर संधि होते हैं, ये भी सही है। विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, ये भी सही है। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं, मतलब डायगोनल इक्वल ये चीज गलत है, तो उत्तर हो जाएगा बी, राइट। एक पार्श्व को फेंकने में सम संख्या कौन सी आती है, 2, 4, 6, मतलब 3/6 काट दो तो उत्तर आता है 1/2। फिर हमें ज्ञात करना है इसका घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट, वो भी प्राइम फैक्टर से करना है। ऐसे आपको भाग देना है, पहले बनेगा 3 का जोड़ा, फिर बनेगा 7 का जोड़ा, 3 × 7 बराबर हो जाएगा आपके 21। फिर हमें अनुपात दे रखा है, परसेंटेज में क्या करना है, चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे भिन्न में, पहले 2/5 100 से गुणा कर देंगे, इसको भी लिखेंगे 3/4 × 100। फिर ये संख्या दे रखी है m² - 10m + 21 का जो लिखेंगे ऐसे, ऐसे कौन संख्या गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर 10, तो वो है 7 × 3, 7 या 21 और 7 और 3 10, कॉमन ले लेंगे, m कॉमन आ जाएगा, m - 7, 3 कॉमन आ जाएगा, m - 7, m - 3 और m - 7, ये पहला आना चाहिए और ये बाद में आएगा, m - 3, m - 7 उत्तर हो जाएगा। अब आगे दे रखा है फलकों में शीर्ष को संख्या दे रखी है 9 और फलक दे रखे हैं, शीर्ष तो है 9 और फलक दे रखे हैं 9, मतलब वर्टिक्स 9 है, फेसेस 9 है, वी 9 है और एफ भी 9 है, और हमें किनारे ज्ञात करने, सूत्र ये लगाएंगे यूलर फॉर्मूला e+2 = v+f, तो ये 9 और 9 18 हो गए, और ये 2 प्लस का उधर भेज दो हो जाएगा माइनस का, तो ई आ जाएगा, एज आ जाएगा आपके 16। इसमें पूछा था ए और डी, ए यहाँ आता है तो x का मान 4 और y का मान 0, d का मान x का मान तो है 1 और y का मान है 3, तो इधर 1 3। फिर पूछा है bd कितना है, तो bd 6 है, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा, bd आ जाएगा 6 यूनिट, यहाँ मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं है तो आप यूनिट लिखेंगे। फिर इसको चेंज करना है मानक रूप में, तो ये आ जाएगा 1.5 × 10^8, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये पीछे जा रहा है इधर की तरफ, तो माइनस में आ जाएगा 10^6 माइनस। फिर ये 16 16 में होता है तो ए का मान 6 आ जाएगा, ये 2 और 7 को जोड़ने पर ए का मान आता है 9, और ये 9 और 3 12 असल का 1 आ जाएगा, और 1 और 6, ये 1 तो असल का और 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा बी का मान, ये तो मैंने बता रखा है। अब निखिलिन द्वारा याद करना, सूत्र है संख्या प्लस 2 × विचलन 3 × विचलन का स्क्वायर × विचलन की घात 3, या लिख सकते हैं नंबर प्लस 2 × डिविशन 3 × डिविशन का स्क्वायर और डिविजन का क्यूब, 103 नंबर है, 2 गुणा करेंगे डिविजन 3 है। इसमें आपके सब बेस आएगा ही नहीं, मतलब उपाधार आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि 100 के करीब है तो इसमें उपाधार आपका आएगा नहीं, तो आपको करने की जरूरत नहीं। तो इसमें आपको लिखना है 103 × 3 × 6 जोड़ ले 109 हो जाएगा, और 3 × 9 = 27 और 3 × 9 = 27, आधार 100 है ना, इसलिए आपको यह 27 27 ही लेना है। फिर आपको करना है भाग, डिवाइड करना है 52 का, इसमें भाग देंगे तो पहले जाएगा 18 में 5 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 3 और शेषफल आएगा 3, तो भागफल यहाँ लिखेंगे शेषफल यहाँ लिखेंगे। नया नंबर हो गया 35, 35 में से घटाएंगे 2 × 3 घटाएंगे 29 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, 29 में वापस से भाग देना है 5 का, तो भागफल 5 और शेषफल 4, भागफल यहाँ लिखना है शेषफल यहाँ लिखना है। फिर हो गया नया नंबर हो गया 44, 44 में से घटाएंगे क्या 2 को गुणा करके 5 से, 10 घटाएंगे आ जाएगा 34, 34 में भाग देंगे 5 का तो ये आपके आ जाएगा, भाग देंगे 6 बार जाएगा और पीछे बचेगा 4, ये 4 आगे लिख देंगे, और 42 हो जाएगा, 42 में से घटाएंगे क्या 2 × 6 मतलब 12 घटा देंगे, पीछे बच जाएगा 30। अब है आपके
इस संख्या में इसका भाग देना है, तो भाग देने के लिए पहले इसको हल करना पड़ेगा, ये उत्तर लाने पड़ेंगे। कैसे लाएंगे, जैसे मैं पहले किया था यहाँ पर ऐसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया था ना, ऐसे इसको हल करना है। हल करने के बाद जो इसका उत्तर आएगा, ये उसका उत्तर आ रहा है, ऐसे कर दो, ये वाली संख्या ना वापस लो ऊपर, 2 का भाग देंगे 12 में, वो जाएगा माइनस के 6 बार, ये कट जाएगा और जेड माइनस 6 पीछे बच जाएगा। हमें सारे कोण ज्ञात करने हैं, पहले एक्स ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस 60 बराबर 120, क्योंकि दोनों कोण लीनियर पैर है, रेखी कोण युग्म है। फिर वाई और 100 भी क्या है, लीनियर पैर, क्या करेंगे 100 में 180 में से घटा देंगे। जेड ज्ञात करेंगे तो जेड माइनस 130 आ जाएगा। फिर आपको डब्लू ज्ञात करना है, डब्लू कैसे ज्ञात करेंगे, बाहर वाले कोण गिनने हैं, 60 वाई जेड 85 डब्लू, 60 वाई जेड डब्लू और 85, ये सब कोण जोड़ेंगे बाहर वाले कोण, तो बाहर वाले कोण जोड़ेंगे तो ये होता है 275, उधर भेज देंगे। इसमें ये दोनों लेने, ये काम नहीं लेना क्योंकि ये तो अंदर वाला कोण है, 120 तो आपके अंदर वाला नहीं, इसलिए 120 काम नहीं लेना है, इसको उधर भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो डब्ल्यू का मान आ जाएगा 85 डिग्री। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं हो जाए, ऐसा नहीं है कि ये दोनों लिए हैं ये भी ले लिया और गलत हो जाएगा, नहीं तो। फिर यहाँ दे रखा है आपके समचतुष्फल दे रखा है, विकर्ण दे रखा है और हमें बीडी की माप याद करनी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है, मतलब समचतुष्फल सूत्र है, दे रखा है सूत्र है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण बराबर 264। पहला विकर्ण तो दे रखा है, दूसरा विकर्ण याद करना है, इसमें भाग देंगे 12 बार जाएगा और गुणा है तो भाग में, ये भाग दे देंगे, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 22। फिर सहसमी का हल करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके एक बार तो है प्लस में और एक बार माइनस में, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कर देंगे 5x² और 3x² 25x² माइनस 9। इसमें ये तो 103 प्लस 3 है, 100 प्लस 3 है और ये 100 माइनस 1 है, सो तो लगाएंगे ये वाला और इसका आइडेंटिटी लगा कर देखो, या यहाँ सॉल्व करेंगे, ये बताया हुआ है, ये x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और ए बी, ये गुणा भाग कर लेंगे, 100 इंटू घटा देंगे 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 10,000 प्लस 200 में 3 गए, 10,197 बच गए। फिर 19वां सवाल, इसने कहा है लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 3 अधिक है, तो माना चौड़ाई कितनी मान ली x, लंबाई हो जाएगी आपके x प्लस 3 और परिमाप हो जाएगा 54। दो कोष्टक, लंबाई तो ये हो गई, ये लंबाई इधर वाली और चौड़ाई ये हो गई, एक और 2x प्लस 2 गुणा कर देंगे इससे, 4x गुणा करेंगे, 6 54 54 है ये 6 प्लस का उधर भेज दो हो जाएगा माइनस का, 48 बचेंगे, गुणा है तो भाग में, ये तो आगे चौड़ाई, लंबाई याद करनी है, 3 अधिक है तो वो हो जाएगी 15। हमारे पास दे रखा है प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री या ईच एक्सट्रीएंगल लेयर का सूत्र है 3/n। अब तिरछा गुणा कर लेंगे, गुणा है तो भाग में, तो भुजा आ जाएगी 8। अब 21वें सवाल में ये था आपके खतरनाक तरीके से, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों की जोड़ कितनी है, 20 और 45, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, 65। दूसरा पूछा है आपसे इन दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, 15 में से 5 गए तो ये आ जाएगा आपके 10। सिंपल क्वेश्चन ही आया था छोटा सा। फिर है आपके ये वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है आपके 22वां क्वेश्चन, ये दे रखा है मूलधन दर और समय दे रखा है, हमें ज्ञात करना है ब्याज, तो सूत्र लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, मूलधन इंटू समय दर बटा 100, ये वाला 1 प्लस दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन, ऐसे गुणा भाग कर लेंगे, एक तो आएगा पूरा 8 पूरा आएगा, अगली बार में 8 का आधा 4 आएगा, 104 करना है। फिर गुणा भाग करेंगे, 26,956.8 आएगा, 24 घटा देंगे आ जाएगा 2,956.80। अगला जो अगर ये नहीं किया आपने, ये करिए किया है, एक कस्बे की जनसंख्या दे रखी है, 8% वृद्धि होती है कस्बे की, अब जनसंख्या इतनी है तो पहले कितनी थी, तो सूत्र है देखो आपके ये आ जाएगी वर्तमान संख्या, वर्तमान जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, तो अब की जनसंख्या दे रखी है, पूर्व की ज्ञात करनी है, और ये आ जाएगा आपके 1 प्लस 8 बटा 100 की घात 2, 17,496 इंटू ये गुणा करेंगे, ये फिर इधर आएंगे उल्टा हो जाएंगे, 100 ऊपर चले जाएंगे 108 नीचे आ जाएंगे, इनको गुणा भाग करके हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 15,000, मतलब 2 साल पहले 15,000 जनसंख्या थी। फिर है आपको बनाना है ये समचतुर्भुज बनाना, रोम्बस बनाना है जिसकी दो भुजाएं, देखो ये बनाना ऐसा, ये 10 ये तो है 10 और ये है 8, तो पहले बनाएंगे सर्वप्रथम क्या करेंगे 10 सेमी रेखा खींचेंगे, ये 10 सेमी क्यों, पहले ये खींचेंगे
फिर क्यू से और एस से हम क्या करेंगे, दो चाप काटेंगे, क्या करेंगे, संधि विभाजन भुजा का। संधि विभाजन करने के बाद ओ को मानना है केंद्र, यहाँ को सेंटर मानते हुए इधर भी चाप काटेंगे चार का और इधर भी चाप काटेंगे चार का, जहाँ मिलता है उधर पी और आर नाम दे देंगे और पी को क्यू से चारों ओर से मिला लेंगे। ये चाप काटने पर फिर पी क्यू आर एस की रचना हो जाएगी। फिर है आपके बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है वक्र पृष्ठीय 880, ऊंचाई दे रखी है और हमें याद करना है बेलन का आयतन। तो पहले क्षेत्रफल दे रखा है, सी एस ए दे रखा है, सूत्र है 2πr(h) बराबर 880, ये इधर गुणा में है तो भाग में उल्टा हो जाएगा, आर का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना, सूत्र है πr²h, तो πr²h लगा लेंगे और उत्तर आ जाएगा 6160 आ जाएगा मीटर क्यूब। फिर यहाँ पर दे रखा घन का क्षेत्रफल दे रखा, ये लिखा हुआ है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल दे रखा है, हमें आयतन ज्ञात करना है, सूत्र है 6 भुजा² 6 साइड² ये गुणा है तो भाग में ये आ जाएगा 100 × 70। फिर स्क्वायर हट गया, ध्यान लग गया अंडर वुड, ये वाला सवाल 10th बोर्ड में भी आया था अभी। अब घन का आयतन ज्ञात करना है तो यहाँ तक उसमें नहीं आया था, अब घन का आयतन ज्ञात करना है तो भुजा क्यूब 13 का क्यूब 13 × 13 × 13 2197 हो जाएगा। फिर है आपके चित्र, मैंने बताया था सेम तिरछी लाइन जाएगी, तो ये बनाया है ग्राफ। आप चाहो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख सकते हो, फिर ये चित्र यहाँ बनेगा ऊपर की ओर। मैंने यहाँ बनाया इस लाइन को, ऐसे कर दिया मोड़ दिया लाइन को, क्योंकि 1 2 3 4 करते 4 यहाँ आता, मैंने 4 यहाँ लिखा ना, इसके लिखना है 1 सेंटीमीटर को वन साइड मानना है और वाई एक्स पर मानना है 4 सेंटीमीटर पैरामीटर, इधर पैरामीटर है और इधर साइड है, ये 460 इधर से 4 इधर 60, फिर ये वाला ग्राफ बनाना है। आप चाहो तो यहाँ पर स्टार्ट 0 से कर सकते हो, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 0 4 8 12 16 ऐसे लिखो तो भी आ जाएगा चित्र, बस यहाँ से बनेगा, फिर यहाँ बनेगा चित्र तिरछा, तो ये भी राइट है और आप अगर दूर दूर लिखो तो भी राइट है। ये था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।